न्यू इकरा पब्लिक हाई स्कूल बॉयज कैंपस मेन नजर मुस्तान बाबा रोड शाहीन मुस्लिम टाउन पिशावर शहर। गर्ल्स कैंपस मुस्तानाबाद नंबर 3 शाहीन मुस्लिम टाउन पिशावर शहर। इजाजाबाद कैंपस इजाजाबाद नंबर 2 गुलबहार नंबर 4। माँ अपने बच्चों के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती है और क्या कुछ करती है, लेकिन जब बच्चे नाफरमान हो और नामुराद हो तो फिर क्या होता है। तो आइए देखते हैं एक नामुराद बच्चे की कहानी। तो बेटा स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, हमें चरण जमीन करनी है। अच्छे बच्चे तो जिद नहीं करते, उठो बेटा। सबसे पहले मैं अपने बेटे का मुंह हाथ धोती हूँ, फिर स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाती हूँ। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनोगे ना? जरूर बनूंगा। बड़ा होके मेरे बुढ़ापे का सहारा बनोगे ना? जरूर बनूंगा। मेरा बेटा तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। मम्मा मेरे टिफिन में क्या रखा है? मैंने अपने बेटे के टिफिन में अंडा डबल रोटी रखी है, जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। चलो बेटा, आपका स्कूल का वैन आ गया है। खड़ा होता है, आए देखते हैं क्या होता है। क्या पके? मेरा बेटा खेल कर आ गया है। मैंने अपने बेटे के खाने में बिरयानी पकाई है। नहीं, मुझे बिरयानी नहीं खानी, मुझे बर्गर खाना है। क्यों बेटा, मैंने आपके लिए इतने प्यार से बिरयानी पकाई है। मुझे पता नहीं है, मुझे बर्गर खाना है। बेटा घर का खाना खाया करो, बर्गर सेहत के लिए अच्छी है। नहीं, मुझे पैसे दो, मैं बर्गर खाता हूँ। चलो बेटा अपना बैग लेकर आओ, मैं आपको होमवर्क करवाती हूँ। नहीं, मैं होमवर्क नहीं करना, मुझे अपनी जिद पूरी करनी है। बेटा अच्छे बच्चे तो जिद नहीं करते, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनोगे? तुमने तो मेरे बुढ़ापे में सहारा भी बनना है। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना और नहीं पढ़ना। मेरा बेटा कितना जिद्दी है। एक बच्चे की अभी से ये लक्षण है, ये अभी बड़ा होता है, यूनिवर्सिटी जाता है, फिर इसको जॉब मिलती है, इसने अभी शादी नहीं की है। आए देखते हैं अपने माँ के साथ कैसा सलूक करता है। मेरा बेटा ऑफिस से आ गया है। बेटा आपने खाना खाया है कि नहीं? हाँ, मैंने ऑफिस में खा लिया। माँ हजार बताओ मैंने आपको कहा है कि मेरे लिए घर में खाना मत बनाया करो, मुझे आपके हाथ का खाना पसंद नहीं है। अच्छा बेटा, आपकी मर्जी। बेटा आज भी मेरा तबीयत सुबह से खराब था। बेटा आपने मेरे लिए दवाई लेकर आए हो कि नहीं? उफ, एक तो ऑफिस में का काम हो रहा है, ऊपर से थका हुआ अभी हो घर आके अपने दवाई और पराठा लगाया होता है। कल खुद जा रहा हूँ दवाई लाओ। बेटा इस बुढ़ापे में मेरे पाँव में बाजार जाने की ताकत कहाँ है? मुझे पता नहीं है, मेरे सर पर दर्द है। अच्छा, मेरे बेटे के सर पर दर्द है, मैं अपने बेटे के लिए चाय बना कर लाती हूँ।
अच्छा अल्लाह ये दिन भी देखता था। मैंने तो सोचा था कि बेटा जवान होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैंने भी क्या किस्मत पाई है, बचपन में ये टीवी के धक्के, शादी के बाद बेवा, बुढ़ापे में औलाद के धक्के। ए अल्लाह यही मेरा किस्मत हो। अरे मेरे दिल पे तो कुछ हो रहा है, मेरे दिल पे, मेरे सर पर चक्कर आ रहा है, मुझे तो अंधेरा नजर आता है। क्या हुआ मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है, मुझे तो पता भी नहीं चला और मेरी माँ मुझसे चली गई। काश मैं आपकी खिदमत करता तो आज ये पछतावा नहीं होता। उठो माँ, क्या हुआ, उठो। बच के अपने